डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है नए एंजाइम पेट 46 की खोज। प्लास्टिक प्रदूषण तेजी से तटों और महासागरों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। इसमें मुख्य समस्या पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थलेट यानी पेट से बनी प्लास्टिक की बोतलें हैं। इस संदर्भ में शोधकर्ताओं ने एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी अध्ययन किया है जिसमें उन्होंने एक नए पेट डिग्रेडिंग एंजाइम की खोज की है। इस नए एंजाइम को पेट 46 नाम दिया गया है। इससे संबंधित परिणाम कम्युनिकेशंस केमिस्ट्री जनरल में प्रकाशित किए गए हैं। यह शोध जर्मनी के कील विश्वविद्यालय की प्लास्टिसिया परियोजना के एक भाग के रूप में किया गया था। अध्ययन में पहली बार पाया गया कि इस एंजाइम के जरिए गहरे समुद्र से सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पेट जैसे पॉलीमर को नष्ट किया जा सकता है। पेट 46 पहले से ज्ञात पेट डिग्रेडिंग एंजाइमों की तुलना में सब्सट्रेट बाइंडिंग के लिए एक पूरी तरह से अलग तंत्र का उपयोग करता है। पेट 46 में कई असामान्य गुण हैं और ये पेट सक्रिय एंजाइमों की विविधता को बढ़ाता है। पेट 46 के जैव रासायनिक गुण इसे समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक और जैव प्रौद्योगिकी दोनों के लिए महत्वपूर्ण एंजाइम बनाते हैं। बैक्टीरिया और खाद बनाने वाले पौधों से सर्वोत्तम विशेषता वाले पेट डिग्रेडिंग एंजाइमों की तुलना में पेट 46 अपने संबंधित इष्टतम तापमान पर इन संदर्भ एंजाइमों की तुलना में 70 डिग्री सेल्सियस पर अधिक कुशल है।